हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम वेक्टर में नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था और कुछ इलस्ट्रेशंस देखे थे। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, वो मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दे दूंगा तुमको बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। बट नाउ आई विल कंप्लीट द थियोरी पार्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो लिख लो इधर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते थे, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता था, दैट इज सिंपली अ मैग्नीट्यूड नंबर, ठीक है ना। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, लेट से ए एंड बी, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ना, मैंने बोला ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को डेफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। राइट डाउन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड एज एंड इज डिनोटेड एज, देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं, ए वेक्टर लिखा, फिर एक क्रॉस लगाया एंड इट इज बी, ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड एज, अब देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड पार्ट। अब इधर जो लिख रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, एन कैप, ठीक है ना, दैट इज, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा वो क्या है, फर्स्ट यू कॉपी दिस पार्ट, कि ए और बी दो वैक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, एक वैक्टर क्वान्टिटी होगा एंड इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, इतना पार्ट देखना मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज ए स्केलर और ये मेरा जो है दिस इज अ वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर। तो अब डिफाइन कर लेते हैं इसमें अलग अलग क्वांटिटीज को, तो मॉड ए मॉड बी तो लास्ट ईयर लास्ट टाइम जैसे स्केलर प्रोडक्ट में किया था, मॉड ए क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिमिलरली मॉड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आते हैं हम इस पर एन कैप पे, एन कैप आई थिंक तुमने फिजिक्स वगैरह में ही पढ़ा होगा वैसे तो, ठीक है ना, एन कैप क्या होगा, एन कैप बेसिकली एक, अच्छा कैप दिख रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है इट इज़ अ यूनिट वैक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड वन है, दिस इज अ यूनिट वैक्टर, बट डायरेक्शन क्या है इसकी, अब मैं बता रहा हूँ देखना, दिस इसका जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जैसे क्या होगा कि जैसे मान लो मेरा एक ये बुक है, ठीक है ना, दिस इज अ प्लेन, लेट्स से इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस रेड वन एंड दिस इज ब्लैक वन, मतलब ऐसे चलो प्लेन को हटाओ, मैंने बोला ये दो वेक्टर्स हैं मेरे रेड एंड ब्लैक, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, अब ध्यान से सुनना, ब्लैक वाले को मैंने ब्लैक वाले को मैंने ए बोला है और रेड वाले को बी बोला है, याद रखना इसको ए इसको बी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो एन कैप होगा वो तो पक्का है कि यूनिट वेक्टर है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो जैसे कि मैंने पहली क्लास में ही पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से यू विल गेट अ यूनिक प्लेन, यूनिक प्लेन मतलब इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, बाकी हम इसको ट्रांसलेट करके वी विल गेट डिफरेंट प्लेन, बट एक बार अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिल गए तो हमें एक यूनिक प्लेन मिल जाएगा इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो अब एन कैप का डायरेक्शन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, एन कैप इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ए एंड बी बोथ, तो मतलब क्या होगा बेसिकली ए और बी जिस प्लेन में आ रहे होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, एक तो मैंने ऊपर बना दिया ब्लू मार्कर या फिर एक मैं नीचे बना रहा हूँ लेट्स से दिस ब्लू मार्कर, गेटिंग इट, ए बी, नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग इज एन कैप इज अ वेक्टर यूनिट वेक्टर, पहली बात तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो ए और बी से तो मुझे एक प्लेन मिल गया। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन होंगे, हमें पता है कोई भी प्लेन ले लो उसके परपेंडिकुलर तो दो ही यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स होते हैं,
एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, हम कौन सा लें? तो इसके लिए हम डिसाइड करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब हम क्या बोलेंगे, ए बी और एन कैप वो हमारा राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है। राइट हैंडेड सिस्टम मतलब क्या है कि अगर हम ए से बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, सुनना ध्यान से, ए से बी की तरफ हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव मी द एन कैप का डायरेक्शन। तो नीचे नहीं होगा, अगर मैंने वेक्टर ब्लैक वाले को वेक्टर ए बोला, रेड वाले को वेक्टर बी बोला, तो एन कैप का डायरेक्शन होगा ये ब्लू वाला। गेटिंग इट? हाँ, अगर मैंने मान लो रेड वाले को ए बोलता ना और ब्लैक वाले को बी बोलता, तब ए क्रॉस बी मेरा क्या आता, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तब मेरा एन कैप का डायरेक्शन नीचे होता। ठीक है, तो अब क्या लिखो तुम इसमें कि जो मेरा एन कैप है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, पहली बात तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, गेटिंग इट? समझ में आया क्या क्या हुआ? सब हमने क्या देखा कि ए क्रॉस बी में ये वाला पार्ट स्केलर है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा दिया, ये तो उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा ए क्रॉस बी का, और एन कैप विल डिसाइड द डायरेक्शन। और फिर हमने क्या देखा कि एन कैप क्या है, बेसिकली इट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर मैंने बोला कि ए और बी के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, बिकॉज ए और बी से मुझे एक प्लेन मिल जाएगा। अब उस प्लेन के एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, फिर उन दोनों में से कैसे डिसाइड करें? तो फिर मैंने बोला कि दिस फॉलोज ए बी और एन कैप है ना, दिस फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम। तो राइट हैंडेड सिस्टम फिर मैंने क्या बताया कि अगर हम ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। गॉट इट? तो फाइनली मुझे क्या मिला? अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है ए क्रॉस बी, तो एन कैप का जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी का है, बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज एन कैप। तो मैं ए क्रॉस बी को क्या बोलूँ? इट इज अ वैक्टर परपेंडिकुलर टू ए कॉमा बी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी जो है हमारा एक वैक्टर है पहली बात तो, और वो परपेंडिकुलर है ए के बी और बी के बी। गेटिंग द थिंग? तो इस चीज़ का यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है ना, ये तो मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब जब हम कोई बुक स्टैंडर्ड बुक उठाते तो ये दिया ही होता है, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट कि ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी? इसका रियल एप्लीकेशन क्या है, देखना, ध्यान से सुनना। अगर मान लो थ्रू आउट द वेक्टर चैप्टर, ठीक है ना, अगर मान लो कहीं पर हमें एक वेक्टर अज्यूम करना पड़े जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, सुनना ध्यान से, लेट्स से चलो ऐसे लिख लेता हूँ। मैंने कहा लेट्स से एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर मेरे दो वेक्टर हैं, आई वॉन्ट अ वैक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स कॉमा वाई। तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला कि एक्स और वाई तो दो गिवन वैक्टर्स हैं, सुनना, एक्स एंड वाई आर टू गिवन वैक्टर्स। मैंने बोला x और y दो वेक्टर हैं विच इज गिवन, मतलब ठीक है, और मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y। तो मैं क्या करूँगा? तुरंत जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर में कि अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, तो हम क्या लिखेंगे उस वेक्टर को? लेट्स से मैं उस वेक्टर को z मान रहा हूँ, तो आई विल अज्यूम एज सून एज आई सी दिस स्टेटमेंट कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, तो मैं उसको मान लूंगा लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई। अब लैम्डा क्यों लगाया भैया? देखो एक्स क्रॉस वाई से तो डायरेक्शन मिल जाएगा, लैम्डा विल टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, लैम्डा विल टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्स क्रॉस वाई दिस विल डिसाइड द डायरेक्शन। गेटिंग इट? दिस इज द इंपॉर्टेंस। मैंने बोला कि अगर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज दिस स्टेटमेंट यू विल गेट फ्रीक्वेंटली इन द क्वेश्चंस। क्या स्टेटमेंट? कि एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू गिवन वेक्टर्स के, लेट्स से द टू गिवन वेक्टर्स आर एक्स एंड वाई, तो ये स्टेटमेंट सुनते से ही जो वेक्टर मुझे चाहिए ना उसको मैं एज्यूम कर लूँगा लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई। यू कैन मेक योर मतलब तुम अपने भाषा में इसको लिख लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल सकता हूँ अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना, इफ़ यू वॉन्ट टू एज्यूम एनी वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू टू गिवन वैक्टर्स, आई कैन एज्यूम इट एज लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई। गेट इट? चलो अब इसी को मैथमेटिकली, जैसे मैंने अभी ये तो मैंने बोला कि लैंग्वेज फॉर्म में उधर दिया होगा क्या कि एक वेक्टर है z विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y, तो आई एम अज्यूमिंग इट लाइक दिस वे। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली वो कैसे देगा, देखना। तो उसके लिए तुम वीडियो पॉज करो, अगर नहीं लिखा है तो ये कॉपी करो पहले। ठीक है, आई रब दिस।
मैंने क्या बोला कि अब अभी तो मैंने लैंग्वेज फॉर्म में बोल दिया, क्या बोल दिया कि जो जेड है, जो मेरा जेड वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, तो इसलिए मैंने उसको एज्यूम कर लिया लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई। अब इसी इन्फॉर्मेशन को, किसको, जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, वो मैथमेटिकली कैसे लिख के दे सकता है, देखना ध्यान से, ऐसे लिखा क्वेश्चन में, इफ जेड डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड जेड डॉट वाई इक्वल टू जीरो। वो इंस्टेड ऑफ बोलना, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई, वो ऐसे दे सकता है, क्या दिक्कत है। फिर हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट आता है कि जेड डॉट एक्स जीरो, इसका मतलब जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स, जेड डॉट वाई जीरो दैट मीन्स जेड इज परपेंडिकुलर टू वाई, तो इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज वॉट, दीज टू इक्वेशन इंप्लाइज वॉट, दिस इंप्लाइज कि जो मेरा जेड वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई बोथ, क्या दिस इंप्लाइज जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स कॉमा वाई, जेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स कॉमा वाई। अब फर्दर हम इस ये स्टेटमेंट, तो अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज वाला आ गया जो इधर ऑलरेडी दिया था डायरेक्टली, तो अब मैं जेड को एज्यूम कर सकता हूँ, वेक्टर जेड इज सम लैम्डा टाइम्स एक्स क्रॉस वाई, एज सिंपल एज दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, देखो और ऐसे कि ये जो इन्फॉर्मेशन, ये दो इक्वेशन मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीवर कर रही है, सुनना ध्यान से मेरे वर्डिंग्स को, ये दोनों इक्वेशन मिलकर जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही है, ये सिंगल इक्वेशन उसको डिलीवर कर रही है सेम इन्फॉर्मेशन को, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, दिस दीज टू इक्वेशन कंबाइंडली डिलीवरिंग मी सम इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन है क्या, Z is perpendicular to x and y. अब मैंने बोला कि वही इन्फॉर्मेशन ये सिंगल इक्वेशन डिलीवर कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल गो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इनसे काम चल जाए, और हो सकता है ये दी हो हमें इसका यूज करना हो, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो कभी इसकी, दिया क्या होगा एक क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, गेटिंग, तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में दी है, गॉट इट, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से कॉपी करना, नहीं आया है दोबारा रिमाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है ना। चलो अब हम इसके रिलेटेड कुछ नोट्स लिख रहे हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना, एक्स क्रॉस वाई का दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अब आते हैं नोट पे, नोट क्या, सिंपल सी चीज़ है, मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, जैसे अभी अपन ने क्या लिखा, जैसे ए क्रॉस बी इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये तो स्केलर पार्ट हो गया, और इधर मैंने एन कैप लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, तो वी नो, देखना ध्यान से, कि जो दो वैक्टर्स के बीच में एंगल होता है दैट इज थीटा, वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई करता है। अब देखना ध्यान से सुनना, देखो तो पहले तो मैंने मॉड लगा दिया सब जगह, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप, ऐसे लिख दिया, दिस इज परफेक्टली ओके। नाउ यू कैन सी कि ये भी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मैंने बोला साइन थीटा, सिंस थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू पाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड माई साइन थीटा इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इन तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव है, तो उनको तो मैं मॉड के बाहर ले सकता हूँ, तो दिस इज वॉट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और क्या बचा मॉड ऑफ एन कैप। अब पता है एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज वन, तो सिंपली व्हाट वी विल गेट मॉड ए मॉड बी सिंपली साइन थीटा, नो नीड टू पुट मॉड एनीवेयर, गेटिंग इट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, गेटिंग इट, चलो तो हो गया पहला नोट। नेक्स्ट देखना, मैंने लिखा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, व्हाट डज दिस इंप्लाई, सोचो, मैंने बोला ए क्रॉस बी कोई दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, उनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और अगर मान लो वो जीरो आ जाए, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन, मतलब क्या क्या तुम इससे कंक्लूड कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है इसका जीरो होने का, तो हम देख लेते पहले, तो भाई ये इसके बराबर है, तो हमने इसको इक्वेट किया जीरो के बराबर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा, एटलीस्ट वन शुड बी जीरो, तो क्या होगा, या तो मॉड ए जीरो होगा विच इम्प्लाइज ए इज नल वेक्टर, या फिर और इधर लिख रहा हूँ मैं साइड में, इधर बी इज नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब क्या होता है, जीरो मैग्नीट्यूड,
नल वेक्टर, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, साइन थीटा जीरो हो जाए। अब सोचो साइन थीटा जीरो हो गया मतलब क्या, थीटा इज जीरो और पाई। अब थीटा जीरो और पाई किसके करस्पॉन्डिंग होता है, जब मेरे वेक्टर्स कोलिनियर हो, कोलिनियर से मतलब लाइक और अनलाइक बोथ। तो इधर और लिख लो फिर, साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई। दिस फर्दर इंप्लाइज ए एंड बी आर कोलिनियर, ठीक है ना। जैसे अपने डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जीरो होता था तो हम क्या बोलते थे, ए और बी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो मेरे ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हो सकते हैं। गेटिंग इट, इफ ए एंड बी आर, ए क्रॉस बी इज जीरो, देन ए एंड बी आर कोलिनियर, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है ए जीरो हो जाए, मतलब ए नल वेक्टर हो जाए, बी नल वेक्टर हो जाए। हाँ, अगर मान लो मेरे को केवल यही फिल्टर आउट करनी है वाली इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख रहा हूँ, देखना, आई एम राइटिंग इट इन द सेम नोट, यू कैन कॉपी दिस, कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन हटा दी इसमें से, कौन सी पॉसिबिलिटी हटा दी, ए इज नल वेक्टर, बी इज नल वेक्टर, और मैं बोल रहा हूँ इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, देन 100% क्या होगा, फिर तो यही पॉसिबिलिटी बची, दैट मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर, देन ए एंड बी मस्ट बी कोलिनियर। देन ए मस्ट बी कोलिनियर विथ बी, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी कहीं तुम्हें जीरो दिया है और दे रखा है कि ए और बी नल वेक्टर नहीं है, देन द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज ए एंड बी आर कोलिनियर। अच्छा, ए और बी कोलिनियर है तो इस इन्फॉर्मेशन को तो मैं फर्दर और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, नो सॉरी डॉट प्रोडक्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में। मैंने बोला दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस फर्दर इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक चेन बन रही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना, स्लोली स्लोली देखना है, अगर कहीं भी लगता है कन्फ्यूजन रिमाइंड करो, दोबारा देखो एक बार, और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्या क्या बताया मैं अभी। मैंने बोला, सुनना ध्यान से सुनना, जैसे मैंने पहले बोला कि ए क्रॉस बी जीरो है या मैग्नीट्यूड जीरो है इसका, तो मैंने बोला देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, या तो ए नल वैक्टर हो जाए, या बी नल वैक्टर हो जाए, या साइन थीटा जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है वो हो गया, और साइन थीटा जीरो होगा मतलब वैक्टर सर कोलिनियर। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट से मैंने बोला कि ए और बी जो है ना नल वैक्टर नहीं है, ए और बी नल वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, सॉरी नॉन जीरो है, नल नहीं है, ठीक है। तो एंड इफ स्टिल ए क्रॉस बी जीरो, देन व्हाट डज दिस इंप्लाइज, ए क्रॉस बी जीरो है, ए और बी नल वेक्टर नहीं है, तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों कोलिनियर हो। तो वही मैंने लिखा है, ए एंड बी मस्ट बी कोलिनियर। अब फिर मैंने बोला कि ए और बी कोलिनियर है ना, फिर तो हम वो पुराने वाले लेक्चर्स में जो पढ़े थे, ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो हम एक को बोल सकते हैं लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स दूसरा वेक्टर। गेटिंग इट, चलो तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, चलो ऐसे ये लिख लो नेक्स्ट नोट इसी के अंदर थर्ड जो भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जस्ट थिंक इट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप तो हट गया क्योंकि मॉड के कारण। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब मेरा साइन थीटा वन हो, तो लिख लो दिस इज व्हाट, मॉड ए इंटू मॉड बी सिंपली। और कब हो रहा है, व्हेन साइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा जीरो सॉरी साइन थीटा इज वन, साइन थीटा वन कब होता है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, लिख लो व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू, जब मेरा ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो ए क्रॉस बी मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और सिमिलरली इधर ही लिख लो, ए क्रॉस बी मेरा मिनिमम का मिनिमम कितना होगा, ऑफकोर्स जीरो। कब जीरो होगा, जब मेरा साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो कब होगा, जब मेरा ए और बी कोलिनियर हो, तो व्हेन ए इज कोलिनियर विथ बी, व्हेन ए इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी। लिखो इसको, वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, चलो
मैं इसको रब कर देता हूँ. नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा, देखना फोर्थ जो भी फोर्थ नोट है तुम्हारा. व्हाट इज आई क्रॉस आई? जस्ट थिंक इट, व्हाट इज आई क्रॉस आई? आई मतलब आई कैप में बोल रहा हूँ इसको. आई कैप इज स्टैंडर्ड है हमारा. आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना. तो क्या होगा आई क्रॉस आई? तो हम बेसिक डेफिनेशन से लिख रहे हैं, मॉड ऑफ आई इंटू साइन थीटा, ठीक है ना. तो व्हाट यू विल गेट? साइन थीटा. सिंस थीटा इज जीरो बिकॉज दोनों वेक्टर सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? इट इज जीरो. तो फर्दर सेम सिमिलरली मैं ऐसे लिखूंगा जे क्रॉस जे, सिमिलरली आई विल राइट के क्रॉस के. ऑल दीज आर जीरो बिकॉज थीटा इज जीरो. और यही चीज हमारी डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रही थी? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वन आ रही थी. इधर हमारी जीरो आ रही है बिकॉज उधर कॉस थीटा था, इधर साइन थीटा है. गेटिंग इट? चलो इसी के अंदर दूसरी चीज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं जो बता रहा हूँ, देखना. ठीक है, अब देखना मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको. व्हाट इज आई क्रॉस जे? जस्ट थिंक इट, व्हाट इज आई क्रॉस जे? तो हम बेसिक डेफिनेशन से लिखते हैं. चलो मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ऑफकोर्स ये कैप है, यूनिट वेक्टर्स है. मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोज टू एक्सिस? 90. तो साइन 90 व्हिच इज 1. सो आई मैं लिख लेता हूँ साइन 90 व्हिच इज 1. अब मेन है कि ये तो ठीक है मैग्नीट्यूड हो गया, ऑफकोर्स इट इज 1, यहाँ तक तो 1 है. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अगेन व्हाट आई विल से, इट विल जो आई जे के हैं दे फॉलोज राइट हैंडेड सिस्टम. तो आई क्रॉस जे बोल रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा? आई कैप से जे कैप की क्रॉस डायरेक्शन में जाऊँगा, कर्ल करूँगा फिंगर्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? दैट विल बी नथिंग बट माई आई क्रॉस जे का डायरेक्शन. तो दैट यू विल सी दैट विल कम आउट टू बी के कैप, ठीक है ना. दैट यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, बट इसका मैं शॉर्ट बताऊँगा तरीका. आई जे के, सो यू कैन सी इफ आई कर्ल द फिंगर I cross J, what you'll get? Direction of thumb, that is K cap. So I'm getting it K cap here. But in frequently what you मैं शॉर्ट यूज़ करता हूँ वो ऐसे यूज़ करता हूँ. I J K, ऐसे मूव कर रहा हूँ, कहीं कैसे ही बना लो डायरेक्शन. तो मैं क्या करूँगा, देखो ऐसे सुनना, ध्यान से सुनना. I cross J is K, फिर J cross K is I. तो इधर लिख लेते हैं दूसरा वाला भी. J cross, मैंने बोला इधर से इधर गए, तो मैं आगे जो लिखा हुआ है वो लिख देना है बस. तो आई क्रॉस जे इज के, लिख लिया. तो एक इसको पूरा लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट के कैप, क्योंकि वन इंटू के कैप इज के कैप ओनली. फिर मैंने लिखा जे इंटू के, जे कैप क्रॉस के कैप. तो जे के, व्हाट विल गेट? आई कैप. आई कैप एंड लास्टली के कैप क्रॉस आई कैप, व्हाट विल गेट? के क्रॉस आई कैप, जे कैप. सो दिस इज जे कैप. दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अच्छा उल्टा करोगे तो क्या होगा? जैसे मान लो मैंने, जैसे अभी तुम्हें बताया, देखो ध्यान से. जैसे मान लो ये एक्सिस है मेरी, दिस इज एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. तो मैंने बोला कि एक्स क्रॉस वाई, तो मेरा क्या आ रहा है? बोला आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ रहा है? के कैप आ रहा है. व्हाट अबाउट जे क्रॉस आई? दैट सी, ये जे क्रॉस आई करोगे तो इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इधर से मैं क्या लिखूंगा? इधर 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 लिख लेता हूँ. चलो मैंने बोला जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का के कैप. अब इसी डायग्राम से मैं कैसे बोलूंगा कि अभी मैं ऐसे मूव कर रहा था तो मैं प्लस ही ले रहा था. मतलब फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? थर्ड वेक्टर. तो मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो के आ गया था. बट अब मैं उल्टा जा रहा हूं, जे क्रॉस आई, तो उल्टा जा रहा हूं तो फिर मैं इधर माइनस लगा दूंगा. ऐसे याद रखो. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मान लो ऐसे लिखा के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप, अब उल्टा मूव कर रहा हूं ना मैं, तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस ऑफ आई कैप. एंड लास्टली वी लेफ्ट आउट विथ आई कैप क्रॉस के कैप. तो आई क्रॉस के, अगेन आई एम मूविंग अपोजिट, सो इट इज माइनस जे. तो ये छह चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना. आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये तो पॉजिटिव मिलेंगे और ये सब नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है ना. आई होप समझ में आई होंगी चीजें. देयर इज अ डस्टर, या सो पॉज करो, इसको कॉपी करो. Next is whatever note is fifth or whatever. मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू, लेट्स देखना, ए वन आई कैप, यही बहुत जगह यूज होगा, प्लस ए टू जे कैप
प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है ना। और एक अभी मैं थियरी पार्ट कवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन आई विल कवर एक साथ आफ्टर द थियरी पार्ट, ओके डोंट वरी। और लेट्स से माय वेक्टर बी इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, एंड लेट्स से वी हैव टू फाइंड ए कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो एक तरीका तो क्या है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, जैसे इन तीन टर्म्स को इन तीन के साथ क्रॉस लोगे तो व्हाट यू विल गेट नाइन टर्म्स, ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, गेटिंग इट। अब ध्यान से देखना, अब उन तीन में से छः टर्म जीरो होने वाली, उन नौ टर्म्स में से तीन टर्म जीरो होने वाली है, कौन कौन सी, जब ए वन आई कैप बी वन आई कैप से क्रॉस होगा। चलो मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ, क्रॉस लिख ही लेता हूँ, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, दिस क्रॉस विथ बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि दीज थ्री टर्म्स का इन तीन टर्म्स से हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो टोटल यू विल गेट नाइन टर्म्स, उन दोज नाइन टर्म्स थ्री टर्म्स विल बी जीरो। कौन कौन सी देखो, जब ये ए वन आई कैप बी वन आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, अभी देखे थे इससे पहले। सिमिलरली ए टू जे और बी टू जे, जब इन दोनों को क्रॉस लूंगा तो अगेन आई विल गेट जीरो, बिकॉज जे क्रॉस जे इज जीरो। एंड लास्टली ए थ्री के बी थ्री के, इन दोनों का क्रॉस लूंगा तो अगेन आई विल गेट जीरो, बिकॉज के कैप क्रॉस के कैप इज जीरो। तो बची हुई कितनी टर्म बचेगी मेरी, छह टर्म बचेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऐसे लिखा, छह टर्म बचेंगी, जैसे ए वन आई कैप बी टू जे और बी थ्री के से मल्टीप्लाई होगा, मतलब चलो मैं दो लिख देता हूँ, ए वन बी टू आई क्रॉस जे प्लस ए वन बी थ्री आई क्रॉस के, ऐसे। अब ए टू जे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे छह बनेंगे टोटल, छह बनेगी। ध्यान है, देखना हम ध्यान से, इनमें क्या होगा, जैसे आई क्रॉस जे, अभी देखा हमने के कैप होगा तो इसको भी लिख लेता हूँ, चलो ए वन बी टू के कैप, और आई क्रॉस के क्या होगा, अभी मैंने बताया था आई जे के, तो आई क्रॉस जे इस के, ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव होता है, और मैंने ऐसे मूव किया तो आई क्रॉस के इट इज माइनस जे, तो दिस इज माइनस ए वन बी थ्री जे कैप। सो क्या होगा, जब मैंने बोला छह टर्म आएंगी तो ऐसे क्या होगा, तीन पॉजिटिव आएंगी तीन नेगेटिव आएंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट यू कैन वेरीफाई। तो अब तुम देख रहे हो कि हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर सिंपली हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये, क्योंकि ये थोड़ा लिखना आई क्रॉस जे इज के क्रॉस जे इज माइनस आई, थोड़ा सा फास्ट नहीं होता, इतना फास्ट नहीं हो पाता। तो क्या है, इसी ये छः टर्म्स है ना, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूजली लिखते हैं, ठीक है ना। जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं एक मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम इतना लंबा ना करते, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ती इतना लंबा। हम क्या करते हैं, देखना शॉर्टकट बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन नोट दिस, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिया। तुम लोग बोलो कि सर वो डिटर्मिनेंट कैसे आ गया, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि जैसे जो हमारे नाइन टर्म्स आ रहे हैं ना, उन्हीं को हमने डिटर्मिनेंट में एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले तो मैंने लिखा आई कैप इधर, फिर जे कैप, फिर के कैप, फिर मैंने लिखा वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स, तो इधर आएगा ए वन ए टू ए थ्री, और इधर आएगा बी वन बी टू बी थ्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ ना, तो पहले एक ए वाली रो आएगी फिर बी वाली आएगी, इधर उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है ना, उल्टा नहीं कर सकते, बिकॉज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दीज टू आर नॉट सेम वैक्टर। हमने भी देखा था ना, जब मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि ए क्रॉस बी लेट से ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस से नीचे आएगा, तो दोनों वेक्टर सेम थोड़ी है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने इधर पहले ए लिखा है तो उसके कोफिशिएंट सेकंड रो में लिखोगे, फिर बी लिखा है तो उसके कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखोगे, पहला रो तो आएगा आई जे के। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हेन यू ओपन दिस डिटर्मिनेंट ना, अगेन यू नो कि थ्री क्रॉस थ्री के डिटर्मिनेंट में छह टर्म्स आती हैं, तो दीज सिक्स टर्म्स विल बी सेम एज जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो छह टर्म मिल रही थी वो और ये सेम है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि ये हमारा आया कैसे, गेटिंग इट, समझ में आया ना कि क्या करना है, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, दैट्स इट, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो। अब मैं लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ अलजेब्रा लिख लेता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा ए क्रॉस के टाइम्स वेक्टर बी, तो जैसे उधर अपन ने बताया था, ठीक, जो भी नोट के फॉर्म में लिखना है नोट में कंटिन्यू करो, के इज अ स्केलर, ए क्रॉस के टाइम्स बी इज व्हाट, स्केलर को वी कैन टेक आउटसाइड, तो
जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में लेते थे, ए डॉट k टाइम्स वेक्टर b इज k टाइम्स a डॉट b, तो सेम हेयर ऑल्सो, दिस इज k को बाहर लिया और फिर मैंने ले लिया a क्रॉस b. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस 3 टाइम्स वेक्टर b, सो आई कैन सिंपली राइट इट एज 6 टाइम्स a क्रॉस b. दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस. ठीक है, इसी के अंदर और लिख लेते हैं a क्रॉस b प्लस c डिस्ट्रीब्यूटिव. तो क्या होगा, वी कैन ब्रेक इट, वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. ठीक है ना, जो पहले लिखा है उसी को पहले लिखा है, यू कैन सी ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है, तो ए का ए को पहले लिखा है मैंने दोनों जगह, फिर क्रॉस बी, फिर प्लस ए क्रॉस सी, बिकॉज अभी जो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट इट इज नॉट कम्यूटेटिव. चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, एक्चुअली इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, लिख लो इसको भी. ठीक है ना, ये हो गया एक, ये दूसरा और ये तीसरा. Getting it? A cross B is not B cross A. It is minus of A cross B. Getting it? जैसे for example अब इन दोनों को combination से, जैसे for example मैंने लिखा मुझे इसको club करना है A cross B plus B cross C. तो मान लो कहीं ऐसा कुछ equation आ गया, तो अब मैं अभी B common नहीं ले सकता. अब इसको मैं दो, मैंने क्या बोला, जब जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इसे A पहले लिखा था, दोनों जगह A पहले था ना, तो आई कैन नॉट टेक बी कॉमन, मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस विथ ए प्लस सी, ये इसके बराबर है ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो ये किसके बराबर है बेसिकली, ये तो इसके बराबर है, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी के बराबर है ये तो, बट बी क्रॉस सी तो करेक्ट है, चलो ये तो मैच कर गया. वॉट अबाउट दिस, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, ये तो बराबर नहीं होते ना. ठीक है ना, तो क्या करें, तो देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको इस वाली की मदद से क्या करेंगे, या तो हम इसको बी क्रॉस माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए लिख लेते हैं. चलो दो तरीके से, एक तरीका और ये दूसरा तरीका. मैंने बोला या तो मैं इसको माइनस बी क्रॉस ए लिख लेता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी. अब दोनों में बी पहले आ गया ना, आई कैन टेक बी कॉमन, तो बी कॉमन ले लिया, क्रॉस विथ माइनस ए प्लस सी, या सी माइनस ए बोल दो उसको, माइनस ए प्लस सी या सी माइनस ए. और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस बी लिख सकता हूँ. तो जैसे मैंने इधर तो ए क्रॉस बी लिखा, माइनस सी क्रॉस बी, अब बी दोनों एक ही साइड आ गया बाद वाली साइड, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी क्रॉस विद बी एंड दीज टू विल बी इक्वल. गेटिंग इट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी अगर कहीं दिया है और मुझे एक क्लब करना हो, सो आई कैन नॉट सिंपली टेक बी ऐसे, बिकॉज इन दोनों में बी या तो पहले होना चाहिए या दोनों में बाद में होना चाहिए. ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए. सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़ कुछ, अब आगे बढ़ते हैं. तो बिफोर दैट कॉपी करो, छापो इसको. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, अब अगेन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये भी अभी तक का मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से. देखो जैसे अब याद है मैंने डॉट प्रोडक्ट में कुछ बताया था, तो पहले डॉट वाला रिवाइज करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी अगर दिया है, इफ. फिर मैंने बोला कि ए से ए कैंसिल कर दिया, बी दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, तो ये गलत हो जाएगा, याद है, नहीं तो पेज पलटो. देखो ए डॉट बी अगर ए डॉट सी के बराबर है, तो मैंने क्या बताया था, बी इज इक्वल टू सी इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बट नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी. व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज देन, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे. क्या होगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो, देन आई विल टेक ए कॉमन, बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो. फिर हम इधर से बोलेंगे दो क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्या हो उनमें से एक आध ना लो या फिर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. गेटिंग इट, क्या बताया था मैंने इधर, ए इज नल मतलब मॉड ए इक्वल्स टू जीरो, और मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो मतलब बी माइनस सी इज नल वेक्टर, और थर्ड पॉसिबिलिटी इज बी माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू ए. दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटी. अभी हमने क्या लिखी थी, केवल यही वाली लिखी थी, बी इज इक्वल टू सी वाली, तो ये दोनों मिसिंग हो गई थी ना डायरेक्टली लिखने से. ठीक है ना, तो इसी तरीके से अब मैं बोल रहा, अब तुम लोग लिखो, मतलब तुम लोग देखो, ट्राई करो पॉज करके. मैंने बोला इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, व्हाट डज दिस इंप्लाइज, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, व्हाट ऑल वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, तो ऑफकोर्स जैसे हमने पहले किया था इधर ए और ए को कैंसिल कर दिया, वी कैन नॉट डू दैट वे, मतलब दिस डज नॉट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी. अगेन आई एम सेइंग That is again one of the possibility, but not the only possibility. तो A cross B is equal to A cross C है, तो क्या करूँ मैं, तो मैं एक काम करता हूँ,
जैसे उधर किया था इधर ले आता हूँ दोनों को, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल्स टू जीरो। फर्दर मैंने a कॉमन ले लिया तो व्हाट आई विल गेट, अब देखो कॉमन ले सकते हैं दोनों का, जो a है दोनों ही प्रोडक्ट में आगे की तरफ मल्टीप्लाइड है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, आई विल गेट a क्रॉस b माइनस c इक्वल्स टू जीरो। वाह अब आई इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, मतलब अगेन मार्क दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जैसे मैंने बताया था ना जैसे वेक्टर ए को एज्यूम कर सकते, जैसे बी ए वेक्टर है बी ओ सी का परपेंडिकुलर, तो ए इज लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। हाँ तो ए क्रॉस बी माइनस सी जीरो, अगेन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, देन व्हाट डज दिस इंप्लाई, या तो दोनों में से कोई एक कम से कम एक नल हो जाए, या फिर व्हाट एल्स, दो का प्रोडक्ट जीरो कब आता है, वेन साइन थीटा इज जीरो, और साइन थीटा जीरो कब होता है, वेन थीटा इज जीरो या पाई, दैट मीन्स वॉट b माइनस सी इज कोलिनियर विथ वैक्टर ए। तो थ्री पॉसिबिलिटीज आर वॉट दिस इम्प्लाइज, वॉट मैग्नीट्यूड ऑफ a जीरो, और या फिर b माइनस सी मैग्नीट्यूड इज जीरो, मतलब b इज इक्वल टू सी, मतलब इसका मतलब b इज इक्वल टू सी लिख लो, b इज इक्वल टू सी। वॉट एल्स थर्ड पॉसिबिलिटी, b माइनस सी इज कोलिनियर विथ, अभी देखना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक तो सब लिखते ही है, अब मैं इसके स्टेप एक अहेड बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैंने बोला बी माइनस सी इज कोलिनियर विथ है, ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन आया, उसने इक्वेशन दे रखी थी ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस सी, तो पूछा था कि वॉट इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, देन वी आर गेटिंग देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, इधर ए जीरो बी इज इक्वल टू सी और बी माइनस सी इज कोलिनियर विथ है, बट इस चीज को क्या हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कुछ इक्वेशन वगैरह के फॉर्म में, आंसर मिलेगा यस, बिकॉज वी नो अगर दो वैक्टर्स कोलिनियर हैं तो वी कैन राइट वन वेक्टर एज अ लीनियर, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो आई कैन राइट दिस दिस, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूँ, एक छोटी सी लाइन में, ये तो बड़ी लाइन हो गई, अब मैं इसको छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूँ, देखना b माइनस सी इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स a, दिस फर्दर इम्प्लाइज b इज इक्वल टू c प्लस लैमडा a, बहुत इंपॉर्टेंट, गेटिंग इट, कि अगर a क्रॉस b a क्रॉस c के बराबर है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि b माइनस सी इज कोलिनियर विथ a, ठीक है ना, विच फर्दर इम्प्लाइज b माइनस सी इज लैमडा टाइम्स a, c को उधर ले गया, तो इस टाइप की चीज़ें यू विल एनकाउंटर वाइल सॉल्विंग डी पी पीज लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, तो मैंने इसमें स्ट्रेस दिया, द रीज़न इज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके आई होप समझ में आया होगा, चलो तो फर्दर लिखते हैं इसको, कॉपी करो इसको, चलो एक आता है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी करके, छोटा सा पार्ट है वो लिखते हैं, उसके बाद वील जंप टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, थियरी में बहुत कुछ और भी और बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ छोटा सा पार्ट और है, एक इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दैट इज रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेलोग्राम वो और होगा, ठीक है, आई हैव टू कंप्लीट इट फास्ट, चलो हाँ नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला लैग्रेंजेस लिख लो, लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये आई रूल लिख लो या फॉर्मूला लिख लो, ये क्या है देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख लो, नहीं तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, प्रूफ करो चलो, ट्राई टू प्रूफ ऑन योर ओन, क्या लिखा, अच्छा ए डॉट ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस, वही लिखा ए डॉट बी का स्क्वायर, दिस कैन फर्दर बी रिटन लाइक दिस वे ऑल्सो, और मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कैसे, जैसे मैंने लिखा देखो ये ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैंने इधर ए डॉट ए लिखा इधर बी डॉट बी लिखा, तो ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी ए डॉट बी, तो इधर मैंने ए डॉट बी लिख दिया एंड अगेन ए डॉट बी लिख दिया, तो दीज टू आर फर्दर इक्वल, तो इसी चीज़ को मैं टू क्रॉस टू के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट ए, ठीक है ना, बिकॉज वैन यू ओपन दिस टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट व्हाट यू विल गेट इज ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी ए डॉट बी, तो यू आर गेटिंग सेम थिंग, तो मतलब इसी को बस क्या किया हमने, इन टर्म्स को अरेंज कर दिया एक टू क्रॉस टू डिटरमिनेंट फॉर्म में, और कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की हमने, ठीक है, हाँ तो अब आते हैं हम इसके प्रूफ पे, सो कॉल्ड प्रूफ क्या होगा, खुद सोचो एक बार, खुद सोचो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कैन यू सी कि इधर क्रॉस है इधर डॉट है, क्रॉस में साइन आता है डॉट में कॉस आता है, दिस इज समथिंग लाइक कॉस स्क्वायर थीटा टाइप की चीज़ है,
ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर टाइप. तो दिस मच हिंट आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर यू टू प्रूव दिस, इज इट? करो, ट्राई करो. अब मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया. चलो इधर से आते हैं, कोई सी भी साइड से क्लब कर लो, आई क्लब इट फ्रॉम दिस साइड. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आज ही पढ़ा है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड साइन थीटा का स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज मैग्नीट्यूड है, तो एन कैप तो नहीं आएगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड इज वन. तो दिस इज वॉट एल एच एस, माई एल एच एस, मैं एल एच एस से आर एच एस की तरफ जा रहा हूँ. नाउ वॉट यू कैन डू, अब साइन स्क्वायर थीटा है ऑफकोर्स, मुझे अब कैसे फ्लो पता चलेगा कि यार वो जो जो आर एच एस है उसमें डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस है, कॉस मैं साइन से कैसे ला सकता हूँ. यूजिंग सिंपल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसको लिख लिया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ विल ओपन दिस ब्रैकेट, व्हाट विल गेट, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी का स्क्वायर, बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. सो उसका स्क्वायर क्या होगा, ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और ये क्या लिखा है, मॉड ए स्क्वायर इट इज ए डॉट ए बी मॉड बी स्क्वायर बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर. दिस इज वॉट माई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट. अब कोई बोलेगा सर यूज कहाँ आएगा ये, वेयर आई विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला या आइडेंटिटी बोल दो, व्हाटएवर. ये आएगा खुद सोचो कि जो अभी हमने पढ़ा खुद दे दो, जैसे तुमने डॉट प्रोडक्ट निकाला किसी दो वेक्टर्स का और तुमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तुम खुद सोच सकते हो कि कौन सा ईजी होता है निकालना. जस्ट थिंक इट वंस. ऑफकोर्स डॉट प्रोडक्ट, क्यों सर आज क्रॉस प्रोडक्ट तो पता ही नहीं है, आज किया था ना हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, वैसे भी पहले भी हमने किया हुआ है इस टाइप के डिटर्मिनेंट, ठीक है, और तुमने शायद फिजिक्स में भी किया होगा. तो यू कैन सी कि और डॉट प्रोडक्ट में तो बहुत आसान होता है, सिंपली इट इज सिंपली ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू. तो व्हाट यू थिंक, डॉट प्रोडक्ट इज फार 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 ईजी. ईजी मेरा मतलब, ईजी से मेरा मतलब है इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, मतलब बहुत कम समय लगता है डॉट प्रोडक्ट निकालने में, ठीक है ना. सो हम क्या करें, अगर मान लो उसने एग्जाम में कहीं मुझे जरूरत पड़ गई ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन टेकिंग मैग्नीट्यूड, इट इज़ फार बेटर, फार फार बेटर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज वी नो दो वैक्टर दिए हैं तो मैग्नीट्यूड तुरंत दिख ही जाता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता. तो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड दिस इज सिंपली ए डॉट बी का स्क्वायर, बिकॉज ए डॉट बी निकालना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना. सो इट इज़ अप टू यू, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन जो मेरे को लगता है कि यूज़ होती है, बिकॉज ए क्रॉस बी मेरे हिसाब से थोड़ा टफ होता है कैलकुलेट, टफ इन द सेंस टाइम गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है प्लस मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है. तो यूज़ दैट. तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको. अब देख लेते ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे अपना डॉट प्रोडक्ट वगैरह कहाँ यूज़ होता है, एंगल्स निकालने के लिए, ठीक है ना, प्रोजेक्शन निकालने के लिए, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, एरिया निकालने के लिए. किसका एरिया देखते हैं, लेट्स से दिस इज़ माय वेक्टर ए, दिस इज़ माय वेक्टर बी, ठीक है. अब मैंने क्या किया, ए और बी को, ए और बी से मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, टेकिंग ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड्स. सो वी नो इफ दिस इज़ वेक्टर ए दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर बी, सॉरी इफ दिस इज़ वेक्टर बी दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर बी, इफ दिस इज़ वेक्टर ए दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम बनाया. अच्छा, अब मैंने बोला इन जनरल जैसे तुम 9th-10th में पढ़ते हो, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सॉरी एरिया ऑफ बेस, सॉरी एक मिनट, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, सॉरी बाय मिस्टेक. तो मैंने बोला इस, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ ए बी सी और डी, सो लेट्स से दिस इज द हाइट एच. सो मैं क्या बोलूँगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया, बेस दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट दैट इज एच. ऐसे ही निकालते हैं ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे हिसाब से ऐसे करते हैं, ठीक है. तो एरिया ऑफ बेस, सॉरी एरिया ऑफ बेस बार बार वॉल्यूम की तरफ निकल रहा है, बेस इनटू हाइट सिंपली, ठीक है ना. अच्छा, अब क्या करें, मुझे इसको रिलेट करना है किससे, ए क्रॉस बी के. तो मैंने क्या एक मिनट के लिए लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, दैट इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा.
अच्छा अब इधर मोड़े तो दिख रहा है मुझे, इधर भी मोड़े दिखाई दे रहा है। अब हम हाइट देख लेते हैं, क्या हाइट एच साइन, मतलब क्या जो हाइट है वो बी साइन थीटा है क्या? तो आंसर मिलेगा यस। कैसे? मैंने मान लिया एंगल ये थीटा है ए और बी के बीच में, ऑफकोर्स ये जो साइन थीटा लिखा है वो ऑफकोर्स एंगल बिटवीन ए एंड बी है। ओके तो ये हाइट क्या होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से? दिस इज, चलो इसको लिख ले, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो दिस मच लेंथ इज मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज मॉड बी साइन थीटा, सो दिस इज व्हाट माय हाइट। तो हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा मुझे? क्रॉस प्रोडक्ट देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टेकिंग दोज गिवन टू वेक्टर्स एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लिख लो जो मैंने एक फ्लो में बोल दिया, क्या बोला कि ए क्रॉस बी क्या बताएगा मुझे? इट विल गिव मी द एरिया, किसका एरिया? जो दो वेक्टर्स दिए ना उनसे मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया बाय टेकिंग दोज टू वेक्टर्स एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, उस पैरेललोग्राम का एरिया विल बी गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। सिंपल, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अच्छा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर बी, ठीक है ना। अब मैंने बोला पहले, अभी अपन ने पैरेललोग्राम देखा तो अपन ऐसा पूरा बनाया। अब अगर मैंने बोला कि ट्राइंगल बनाना है तो ऑफकोर्स व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन दिस पार्ट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया एंड वी नो दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज जो डायगनल्स होता है वो दो इक्वल एरिया, इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो व्हाट आई विल से, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ ए बी सी, तो एरिया ऑफ, ये भी लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट हाफ ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी। ऑफकोर्स इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो विल पुट मॉड, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। तो मुझे ए और बी क्या लेना है, कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स ले लिए, कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखना इंपॉर्टेंट, अब देखना इधर ध्यान से। कोई बोलेगा कि सर लेट से मैंने ये लिया वेक्टर ए, लेट से ये वेक्टर बी लिया और लेट से ये वेक्टर सी ले लिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि कोई भी दो साइड ले लो, तो अकॉर्डिंग टू सर यू एरिया आई कैन राइट इन थ्री वेज, यस यू कैन राइट। कैसे कैसे? पहले मैंने इन दोनों वेक्टर्स को पकड़ा। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं हेड टू हेड मिलाऊंगा टेल टू टेल, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पुटिंग मैग्नीट्यूड देयर। सो व्हाट आई विल डू, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए क्रॉस सी, सॉरी कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज वी आर पुटिंग मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, या फिर हाफ टाइम्स बी क्रॉस सी, या फिर हाफ टाइम्स सी क्रॉस ए। बट कैसे सर? मतलब ठीक है, आपने डेफिनेशन बोला कि उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड पकड़ लो, कोई भी दो साइड, उन दोनों का क्रॉस ले लो और आगे हाफ लगा दो। दोबारा क्या बोला? कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है ना, मतलब एक ट्राइंगल दिया है उसमें दो साइड्स होंगी, कोई भी दो साइड उठाएंगे, उन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ऑफकोर्स वेक्टर का, उन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और हाफ लगा दिया आगे, यू विल गेट एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तो नाउ कैन वी प्रूव दीज थ्री आर इक्वल? मतलब ये तीनों लिख सकता हूँ मैं उस डेफिनेशन से, अगर मैंने बोला कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ टाइम्स कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इसमें, इसमें जो तीनों साइड्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आंसर मस्ट बी दीज थ्री एंड ऑल थ्री शुड बी इक्वल। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? एक ही लाइन का है, दो लाइन का प्रूफ है। कैसे? हम पहले ए बी सी में इक्वेशन लिख लेते हैं, रिलेशन लिख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, देखना, यहाँ से लेट से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आई विल यूज दिस पाथ ऑल्सो, या फिर एक काम करते हैं, वैसे बोल देते हैं, दोनों तरीके से हम इधर से स्टार्ट किए, इधर ही आ गए, तो कैसे होगा? जो जो रास्ते में वेक्टर मिले आई विल एड अप। सो ए बी सी में रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, देखो ए इधर मूव किया, फिर बी प्लस बी, फिर इधर गया प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो लेट्स से मुझे इसको ए और बी के टर्म्स में लिखना है, तो व्हाट आई विल एलिमिनेट सी, व्हाट आई विल डू, आई विल एलिमिनेट सी। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड बाद में लगा लूँगा एक साथ, जस्ट सी और बी क्रॉस, और सी को मैं क्या लिख रहा हूँ इस इक्वेशन से, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। Now you can see when you will take B cross A, तो वो तो मिल गया B cross A या A cross B, one and the same thing because we are talking about magnitude. और इसमें एक और टर्म आएगी B cross B, that will be zero. क्यों? B cross B क्या है? दोनों दो same vectors का cross product क्या होगा? Of course zero. दो same vector मतलब angle zero, sine zero zero. तो this is further equals to magnitude की बात कर रहे हैं. तो half
टाइम्स, अब देखना इधर क्या आया, बी क्रॉस ए या माइनस लिख लो वन एंड द सेम थिंग प्लस जीरो, ये जीरो किसके चलते आया, बी क्रॉस बी के चलते हैं। सो यू कैन सी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर, सिमिलरली सी क्रॉस ए, हमारे इधर से मुझे इसको इसको भी मुझे ए और बी के टर्म्स में चाहिए तो इधर से मैं सी को हटा दूंगा, ठीक है। तो दिखने में लग रहा है कि ये तीनों चीजें अलग अलग हैं बट मैग्नीट्यूड वाइज दीज थ्री आर इक्वल प्रोवाइडेड, ये डायग्राम के लिए बनाया हमने, ऑफकोर्स इस डायग्राम के लिए दीज थ्री आर सेम थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर कौन सी दो, जो दो साइड लेनी है वो कैसी लेनी है, मतलब टेल टू टेल मिलाना, हेड टू हेड मिलाना, कुछ नहीं करना, तो मैं कोई भी दो साइड्स उठाई मतलब उनके करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स उठाए उन दोनों का क्रॉस ले लिया, ठीक है ना। अब इसी में एक और चीज बनती है, देखना ये भी नोट करके लिख लो, इंस्टेड ऑफ वेक्टर्स व्हाट दे विल गिव इज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस, मतलब इसी को देखो ए बी सी और लेट्स से इनके पोजीशन वेक्टर है ए, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, इसका पोजीशन वेक्टर है सी, नाउ दे विल आस्क व्हाट इज एरिया, यू जस्ट थिंक इट, वही बेसिक से स्टक रहो, जैसे मैंने बेसिक क्या बताया, कोई भी दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर देख लो, उन दोनों का क्रॉस ले लो, तो आई विल नॉट राइट एरिया इज इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी हाफ, ना ना, बिकॉज ए एंड बी आर हेयर नॉट दीज टू वैक्टर्स, दे आर द पोजिशन वैक्टर्स। सो मैंने क्या बोला, तुम तो कोई भी दो वैक्टर उठा लिए, तो लेट से मैंने एक ये वैक्टर ले लिया, एक ये वैक्टर ले लिया, ठीक है अच्छी बात है, अब इन दोनों का क्रॉस ले लो, हाफ लगा दो आगे, तो क्या करूंगा मैं हाफ टाइम्स, अच्छा ये वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी से सी क्या होगा, फाइनल माइनस सी इनिशियल होता है, तो दिस इज वेक्टर सी माइनस बी, एंड व्हाट अबाउट दिस ए माइनस बी, गेटिंग इट। अब मैं इसका वो ले लेता हूँ क्रॉस, तो हाफ टाइम्स ए माइनस बी क्रॉस विथ सी माइनस बी, ऑफकोर्स यू कैन पुट, यू शुड पुट मॉड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया स्केलर क्वांटिटी। नाउ यू सी हाफ तो बाहर लिख लिया मैंने और इसको ओपन किया, तो ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस बी, चार टर्म आए बट यू सी बी क्रॉस बी तो जीरो होगा बिकॉज टू कोलिनियर वेक्टर्स सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। नाउ व्हाट यू कैन डू फॉर द इस सी क्रॉस ए को, इस ए क्रॉस सी को यू कैन पुट इट माइनस टाइम्स सी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस सी इज माइनस सी क्रॉस ए, और ये माइनस ए क्रॉस बी लिखा ही है, ये माइनस बी क्रॉस सी लिखा ही है। नाउ सिंस यू आर पुटिंग इट हियर मॉड, यू कैन रिमूव, यू कैन टेक माइनस कॉमन एंड यू कैन दैट विल बी मग अप विथ मॉड, तो व्हाट यू विल गेट फाइनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल जिसके वर्टेसिस के पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टेसिस के पोजीशन वेक्टर्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, जिसके वर्टेसिस के पोजीशन वेक्टर्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, आई होप समझ में आया होगा। चलो एक और चीज इसमें देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉपी करना इसको, ठीक है, अच्छा मैंने बोला, देखना ध्यान से, एज ए क्वेश्चन भी करवा सकते हैं इसको बट मैं इसी नोट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, दिस विल योर लास्ट पार्ट ऑफ थियरी पार्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। मैंने बोला कि ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसके अंदर तीन वर्टेसेस हैं ए बी सी, उसके पोजिशन वैक्टर्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, देन कैन यू गिव मी द यूनिट वैक्टर, कैन यू टेल मी द वॉट इज द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू दिस ट्राइंगल, मतलब ये लेट से ये जो मेरा ट्राइंगल है वो प्लेन के बोर्ड पे है, बोर्ड ऑफ प्लेन, देन कैन यू टेल मी वॉट इज द एरिया, सॉरी वॉट इज द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये तो क्लियर है कि दो वैक्टर आएंगे, एक बोर्ड के बाहर की तरफ एक बोर्ड के अंदर की तरफ, गेटिंग इट, हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द दोज टू वैक्टर्स, सोचो एक बार, अब मैं बताऊँ, ठीक है, हमें पता है ए क्रॉस बी क्या होता है बेसिकली, फॉरगेट अबाउट दीज वर्टिसेस, जस्ट सिंपली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर ये है मेरे पास, एक वेक्टर ये है मेरे पास, इन दोनों के क्रॉस से क्या मिलेगा मुझे, एक वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, मींस इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर होगा, देन और मुझे पता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो मैंने अभी निकाला,
मैग्नीट्यूड निकाला ठीक है, बट वेक्टर मतलब मॉड हटा देंगे तो वेक्टर हो गया। तो क्या आया था हमारा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये क्या आया बेसिकली, अभी जो मैंने लिखा दिस इज व्हाट। अच्छा अब मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ बाहर, प्लस माइनस, सो दैट एक बोर्ड के अंदर और एक बोर्ड के बाहर। तो प्लस माइनस दिस इज व्हाट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स ए बी सी। अब मुझे यूनिट बनाना है तो मैंने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज व्हाट ओवरऑल। अब देखो लिख लो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स एज ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी आर नॉट द वेक्टर्स, वो साइड्स नहीं है, ए बी सी हियर आर द पोजिशन वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड विल गिव मी द यूनिट वेक्टर। एंड प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, राइट दिस ऑल्सो, वाई आर पुटिंग प्लस माइनस, बिकॉज देर विल बी टू सच वैक्टर्स, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर। गेट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो लेट मी सी वेयर आई हैव न्यूमेरिकल्स, या सो कॉपी करो। और अभी बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स न्यूमेरिकल, और मैं मैक्सिमम पार्ट होमवर्क ही देने वाला हूँ बिकॉज ऑलरेडी इट इज वन आवर, सो फिर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस आई विल गिव यू होमवर्क, ठीक है। और मैंने जैसे बोला अभी पॉज करके एक बार खुद से रिव्यू करो, खुद से क्विक, मतलब विदाउट सीइंग द वीडियो, विदाउट लुकिंग इनटू द नोट्स, हमने क्या क्या पढ़ा वेक्टर्स में, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। सो लेट्स राइट डाउन सम क्वेश्चंस। ठीक है ना, मैं पहले कुछ कुछ क्वेश्चन लिखते जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आई एम गिविंग इट, सो दैट यू फील कंफर्टेबली, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए, बिकॉज ए क्रॉस बी वगैरह बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो बहुत हाई फाई लिखने वाला हूँ, नहीं, बहुत ईजी, जो बहुत ज़्यादा ईजी है जस्ट कैलकुलेशन है वो मैं तुम लोगों को ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू i cap minus 7 j cap plus 7 k cap and vector b is equal to 3 i cap minus 2 j cap plus 2 k cap. So you have to find magnitude of this. Simply what you have to do, अब इसको दो तरीके से, अच्छा चलो एक काम करना, इसको दोनों तरीके से करो, एक तो पहले वो determinant से निकालो a cross b क्या है, i j k रख के फिर a का coefficient फिर b का coefficient, फिर एक vector आ जाएगा। उसके बाद चलो एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ एक बार, एक क्वेश्चन करता हूँ। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बाद में लूंगा मैं, इट इज सिंपली आई जे के, फिर ए के कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7 एंड फिर बी के कोफिशिएंट 3 माइनस 2 2, ठीक है ना। नाउ आई विल ओपन विद रो 1, ऑलवेज ट्राई टू ओपन विद रो 1 बिकॉज आई रहेगा फिर इसका कोफिशिएंट आ जाएगा डायरेक्टली इसके साथ, ये गया माइनस 14 प्लस 14 इट इज 0, बहुत अच्छी बात है। माइनस जे टाइम्स ये गया तो 2 माइनस 21 2 माइनस माइनस 19 और प्लस k कैप टाइम्स ये गया माइनस 2 प्लस 21 प्लस 19, बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज सिंपली 19 j कैप प्लस 19 k कैप, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय a क्रॉस b, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा a क्रॉस b का, इट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट रूट टू टाइम्स 19 रूट टू। और एक तरीका तुम क्या करोगे, अप्लाई लैग्रेंजेस, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, अब देखो इधर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर लकीली थोड़ा कैलकुलेशन कम हो गया बट इन जनरल दिस इज ईजी, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट दिस पार्ट ऑन योर ओन, जस्ट वेरीफाई करना यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, आएगा ऑफकोर्स, सही करोगे तो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेट
द वेक्टर्स, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मॉड ए इक्वल्स टू 3, मॉड बी इक्वल्स टू रूट टू बाय थ्री एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर. देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी. फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है ना, कर लेना एक बार. सिंपली ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो मुझे पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसने दिया है 1 एंड वी नो इट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. फ्रॉम हियर यू विल गेट साइन थीटा मॉड ए मॉड बी दिया है. ठीक है ना, कंप्लीट कर लेना इसको. नेक्स्ट इज शो दैट ए माइनस बी का क्रॉस विथ ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी. सिंपल है, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. सो व्हाट यू विल गेट, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए. देखो ऑर्डर चेंज मत करना बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. ए क्रॉस बी इज नॉट माइनस सॉरी ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए. ठीक है ना, इसलिए जिस ऑर्डर में जा रहे हो उसी ऑर्डर में पहले लिखना है. जैसे ए का ए के साथ ए क्रॉस ए, फिर ए का बी के साथ ए क्रॉस बी, फिर माइनस बी क्रॉस ए और फिर माइनस बी क्रॉस बी. यू कैन सी दिस इज जीरो, ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. और इस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी. सिंपल, आगे बढ़ते हैं, याद कॉपी करते जाना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं. चलो तो ये हो गया. लिखो, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप. वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप. वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप. देन फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. देखो ये आज वाला एप्लीकेशन, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. अगेन आई विल टेल यू द फ्लो, तुम लोग कंप्लीट करना, बोथ ए एंड बी. एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट सी डॉट डी इज इक्वल टू 15. ठीक है, आई विल गिव यू द फ्लो, कैलकुलेशन तुम्हें करना है. तो आज का एप्लीकेशन हो गया. मैंने बोला इसने क्या दिया है, वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. इतना स्टेटमेंट सुनते से ही, आगे हमने पढ़ा ही नहीं, मैंने बोला इतना स्टेटमेंट सुनते से ही डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. देन आई विल अज्यूम डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. सिंपली डी आ गया. तो बोले डी कहाँ से आ गया सर, लैम्डा तो नहीं पता ना, ए पता है बी पता है, बहुत अच्छी बात है. तो ए क्रॉस बी पता है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ए पता है बी पता है, तो वी हैव ए क्रॉस बी. ठीक है ना, ए पता है बी पता है, तो ए क्रॉस बी आ गया. तो और इधर मैं डी, एक मिनट, ठीक है. तो व्हाट इज अननोन हियर, अननोन इज ओनली लैम्डा. वो कैसे मिलेगा, विद दिस इक्वेशन सी डॉट डी इक्वल्स टू 15, सी डॉट डी इक्वल्स टू 15 से व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा. ठीक है ना, कैसे, मैंने बोला ए क्रॉस बी इधर उठा के रखो, डी आ गया तुम्हारा, फिर डी को इधर उठा के रख दो, सी के साथ सी दिया है, सी डॉट डी इक्वल्स टू 15, देन व्हाट इज द वेरिएबल लेफ्ट इज लैम्डा, यू विल गेट इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताना मुझे, ठीक है ना, क्या आया. चलो अब ये भी तुम्हें सोचना है, एग्जाम्पल और दे रहा हूँ. इन अ ट्राइंगल प्रूव दैट साइन लॉ ए अपॉन साइन ए, ये वेक्टर से करना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. जस्ट गिव इट अ ट्राई. ऑल्सो प्रूव यूजिंग वेक्टर ओनली, यूजिंग वेक्टर प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग ये वेक्टर से प्रूव करना है. देखो अपन ने कल की क्लास में क्या किया था, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. जस्ट थिंक इट दैट वे ओनली, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, फिर दो वेक्टर्स लो ओ पी एंड ओ क्यू, फिर तुम सोचो कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे हमें ऐसा मिलेगा टर्म्स. जस्ट थिंक इट वंस. अब देखो उधर मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिखवाया था, इधर मैं क्रॉस में लिखवा रहा हूँ, तो जस्ट थिंक इट दैट वे. ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट, चलो और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं. करना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना,
आज क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट जो संडे तुम्हारा कंप्लीट वेक्टर आएगा, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर दैट. देखते हैं बाद. चलो एक मिनट, आई विल टेक द मार्कर. लिखो नेक्स्ट इज. और ऐसे मत सोचना सर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन छोड़ दो, कि हमने फ्लो तो समझ ही गए, अब कैलकुलेशन छोड़ो बाद में देखेंगे. मेन कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना, उसी में बच्चे लोग गलती करते हैं. फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, determined by the points, determined by the points 1, minus 1, 2, 2, 0, minus 1 and 0, 2, 1. ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड perpendicular vector to this plane. So let's say these are 3 points. मैं flow बता रहा हूँ, अगेन आई एम सॉल्विंग कम्प्लीटली. सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दिस वेक्टर. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दिस वेक्टर. जस्ट टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, वट यू विल गेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. उसके आगे प्लस माइनस, अब यूनिट वेक्टर बोला ना, तो प्लस माइनस लगा के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. ठीक है ना, लेट्स से चलो करता हूँ. 1 माइनस 1 2, लेट्स से दिस इज 2 0 माइनस 1 एंड दिस इज 0 2 1. सो वट इज दिस वैक्टर, इस वजह से इसको हटाते हैं तो 2 माइनस 1, तो दिस इज आई कैप, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस जे कैप, एंड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के कैप. तो ये वेक्टर आ गया. सिमिलरली दिस 0 माइनस 1 माइनस आई कैप, 2 प्लस 1 3 जे कैप, एंड 1 माइनस 2 माइनस के कैप. सो दिस इन दोनों वेक्टर्स का व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, प्लस माइनस लगा दो, बिकॉज ये तीन वेक्टर्स जिस प्लेन में आ रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर देयर विल बी टू डायरेक्शंस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लिखो एक, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, शीट में भी यही है क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. एक मैग्नीट्यूड दे रखा है वैक्टर ए का, देन यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस आई कैप प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर. चलो इसको कर लेता हूँ, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है. पहले एक बार तुम लोग ट्राई दो इसको, जस्ट गिव 1 मिनट और 2 मिनट्स, व्हाटएवर यू फील. एंड अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो जस्ट फोकस ऑन वन क्वांटिटीज, जस्ट फोकस ऑन वन क्वांटिटी. लेट्स से मैंने पहले तो वेक्टर ए को मान लिया एक मिनट के लिए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप. अच्छा, अब मैंने बोला ए क्रॉस आई कैप क्या होगा, ए क्रॉस आई कैप मैग्नीट्यूड वगैरह बाद में नोट करेंगे. व्हाट इज ए क्रॉस आई कैप, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम जानते हैं, या तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, और नहीं तो डायरेक्ट क्रॉस भी ले सकते हो इफ यू वांट, बिकॉज इधर केवल आई कैप है ना, तो एक ही मतलब इस आई के, इस आई का इन तीनों के साथ, तो आई का आई के साथ तो जीरो हो जाएगा, एक बार जे के साथ आएगा, एक बार के साथ आएगा, ठीक है ना. अदरवाइज यू कैन पुट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑल्सो, आई जे के फिर ए का कोफिशियंट ए वन ए टू ए थ्री, फिर नेक्स्ट वैक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, मतलब 1 0 0. सो मैं इसको रो 3 के ओपन कर देता हूँ, ये गया ये गया, तो व्हाट यू विल गेट, जे टाइम्स मतलब ए थ्री जे माइनस ए टू के, दिस इज व्हाट ए क्रॉस आई कैप का नॉट मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस आई कैप सिंपली. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो व्हाट यू विल गेट, ए क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए थ्री स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सो उसका स्क्वायर विल बी ए थ्री स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. नाउ कैन यू सी, व्हेन यू फाइंड दिस व्हाट यू विल गेट, ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. व्हेन यू फाइंड दिस, सॉरी दिस, व्हाट यू विल गेट, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. सो व्हेन यू एड ऑल दीज थ्री, व्हाट यू विल गेट, टू टाइम्स इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज व्हाट, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 4, तो ट्वाइस ऑफ 4 विच इज 8, तो आंसर इज 8. ठीक है, सिंपल है. और बाकी मैंने बोला इंस्टेड ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई, मतलब इसका आई के साथ क्रॉस ले लो ऐसे, इसका क्रॉस विद आई कैप, तो आई का आई के साथ ये तो जीरो जाएगा, इन दोनों के टर्म्स के साथ आएगा, विच इज दिस ओनली, दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन.
ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको। लिखो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस एस ए 1, 1, 2, बी 2, 3, 5 एंड सी 1, 5, 5। सो इस इन तीन वर्टाइसेस से बनने वाला ट्राइंगल, तो क्या करें, वो जैसे अभी वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाला था ना, बस वैसे ही। बट ये नाउ यू हैव टू डू हाफ टाइम्स, हाफ ऑल्सो यू हैव टू पुट, एंड उधर वेक्टर निकाला था, बस मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है ना। मतलब दिस इज माई ट्राइंगल, सो फाइंड दिस वेक्टर, दिस माइनस दिस, जस्ट टेक क्रॉस प्रोडक्ट और एरिया निकालना, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसके आगे हाफ लगा दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते, करना है ये तुम्हें सारे, ऐसा नहीं छोड़ना है, कैलकुलेशन है, बट यू हैव टू डू इट। चलो इसके बाद ये और लिख लो, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द पोजिशन वेक्टर्स, आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ए कॉमा बी कॉमा सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ए from the base BC of triangle ABC is A cross B plus B cross C plus C cross A। जो स्टेट जो प्रूफ करना है इसी को देखते तो पता चल जाएगा हम क्या करना चाहिए, डिवाइड बाई मॉड ऑफ C माइनस B। तुम लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, और दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिखो नेक्स्ट, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर एनी फोर पॉइंट्स इन द स्पेस, देन प्रूव दैट ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी, इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट इज 4 times एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी 3 vectors such that mod A equals to mod C equals to 1, comma mod B equals to 4, and magnitude of B cross C is equal to root 15 if B minus 2 times vector C is equal to lambda times vector A, find value of lambda, ठीक है ना। उसके बाद चलो अब करता हूँ बोर्ड, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी यूनिट वेक्टर्स such that mod of a plus b equals to root 3, then find value of 2 times vector a plus 5 times vector b dot product a with 3 times vector a plus vector b plus a cross b। Here it is, in this bracket there are 3 vectors, ek to a b or either a cross b, this is different vector, and here there are 2 vectors, you have to find the value of this। Then the last is, if a cross b is equal to c cross d and a
क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी देन शो दैट a minus b vector is parallel to b minus c vector provided vector a is not equal to vector d comma vector b is not equal to vector c. सो इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर कल कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टुमारो. ठीक है, ओके, थैंक यू.